मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। सत्र के चौथे दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। बढ़ते हंगामे को देख विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने अगले दिन तक के लिए विधानसभा को स्थगित कर दिया। विधानसभा स्थगित होने के बाद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि सदन में आज पलायनवादी सोच देखने को मिली है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि हर विषय की चर्चा से भागकर हंगामा और हल्ला करना कांग्रेस ने नीति बना ली है। एक पलायनवादी सोच आपको आज हाउस में दिखा होगा। चर्चा से भागना, हर विषय की चर्चा से भागना, हंगामा करना, हल्ला करना, पहले भी कई बार कहा, ये सदन है, ये बाहुबल से नहीं बुद्धि बल से चलता है। आप आए फ्लोर पे अपनी बात को रखें। आज सुबह से हंगामा करना, जिस विषय पर स्थगन आ चुका हो, जिस विषय पर स्थगन पर चर्चा हो चुकी हो, जिस विषय पर अध्यक्षीय रूलिंग आ चुकी हो, उस विषय पर भी हल्ला करना समझ नहीं आया। लगातार रोज प्रश्नकाल को बाधित करना, ये विपक्ष की सोची समझी रणनीति है, क्योंकि ये चर्चा से भागते। आज आप देखिए कितने संकल्प पारित होने के बाद कितने महत्वपूर्ण विधेयक थे। हमारा जो मध्य प्रदेश लोक और निजी संपत्ति नुकसान निवारण और नुकसानी वसूली विधेयक था, चर्चा नहीं करी। हमारे जो मध्य प्रदेश के यहाँ विनियोग विधेयक बजट पर, चर्चा नहीं करी पास। ये हमारे जो भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2021 उस पर चर्चा नहीं करी। हमारी उच्च शिक्षा विभाग का विश्वविद्यालयीन संशोधन विधेयक, चर्चा नहीं कर रहा विपक्ष। प्रश्नकाल पर चर्चा नहीं, शून्यकाल पर चर्चा नहीं, ध्यानाकर्षण पर चर्चा नहीं, विधेयकों पर चर्चा नहीं। आखिर ये कैसा विपक्ष है? इतना अकर्मण्य विपक्ष मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ऐसा नाकारा विपक्ष है जो जनहित के मुद्दों को उठाता ही नहीं है। हल्ला मैंने खुद गए न्यायालय में, खुद ने प्रदेश की 50% आबादी को आरक्षण वाले विषय पर उन्होंने अन्याय कर दिया पिछड़े वर्ग के साथ, और खुद ही हल्ला मचा रहे। अरे हल्ला क्यों मचाते हो? स्थगन दिया फिर चर्चा करते। माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्प लाए, ये विपक्ष भी तो संकल्प ला सकता था। विपक्ष जब वहां पर इन्होंने कहा कि हम रोटेशन में गए थे, रोटेशन का है का? रोटेशन तो आरक्षण का ही था ना। और मान लो कि आप वो मुंह की खानी पड़ी, मान लेते हैं, तो आपने रिव्यू क्यों नहीं लगाया? आपने अपनी अपील वापस क्यों नहीं ली? अपनी जो दरखास्त लगाई थी वो वापस क्यों नहीं ली? ये सारी बातों का विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है। अब जब फंस गए तो हल्ला मचा रहे। मैंने वो कल शायरी सुनाई थी ना कि कातिल ने बचने का अजब रास्ता निकाला, और भीड़ में घुसकर खुद ही पूछने लगा इसे किसने मार डाला। वो स्थिति विपक्ष की हो गई है, खुद ही हल्ला मचाया जा रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।